नमस्कार दोस्तों, एजे पार्टी में आपका फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप अपने मोबाइल में जो कि आपका व्हाट्सएप में आप अपने स्टेटस को ऐड कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड में बेल आइकन पर प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिला करेगी। तो दोस्तों उसी तरह से आपको अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों इधर आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, सिंपली उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको आपका अकाउंट है उस पर क्लिक कर देना है। अकाउंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको बहुत से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इधर से आपको प्राइवेसी ये लिखा हुआ है उधर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर से आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों इधर से आपको स्टेटस वाला ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो इधर माय अकाउंट और इसके नीचे वाला ऑप्शन है माय अकाउंट, तो उधर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो उसी तरह से आपके सामने बहुत से आ जाएंगे। तो जिस हिसाब से आप किसी को भी हाइड करना चाहो तो उसे ऊपर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों देख सकते हो मैं इधर कैसे आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इधर मैंने 2 पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद दोस्तों इधर आइए, आपको साइड में यस का ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हो जो कि आपका सेटिंग अपडेट हो चुका है और उधर से आपका जिसे आप अपने अभी डॉट पे क्लिक किया उधर हाइड किया वो आपका स्टेटस नहीं देख सकते क्योंकि उन्होंने आपको आपने उन्हें हाइड कर दिया और वो आपके स्टेटस नहीं देख सकते। तो दोस्तों उसी तरह से आप अपने मोबाइल में किसी को भी व्हाट्सएप में हाइड कर सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।